Okay, good afternoon everyone. Today we have with us Gaurang Dinda, and he did his MSc from Midnapore University, Midnapore College, and GATE he qualified in 2022 with the rank of 2365. Then he again qualified GATE in 2023 with a All India rank of 538, and now currently he has joined M.Tech in Quantum Technology, ISC Bangalore. So welcome Gaurang, and thanks for giving your time. Thank you, sir. And congratulations for getting admission in ISC Bangalore. Thank you. तो गौरांग, हमें ये बताइए, मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं, जिससे कि हमारे बच्चों को भी आगे फायदा मिले, कि आपने अपना प्रिपरेशंस कब स्टार्ट किया? सर, मैंने एडमिशन फिजिक्स में लिया था 2022 में, और मैं ऑफलाइन बैच में ही था, तो फिर यहाँ पे आया था और एक महीना क्लास किया, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर घर जाना पड़ा, बहुत सैडनेस के साथ जाना पड़ा घर, और ठीक 15 दिन बाद सारे प्रोग्राम ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, तो पूरा कोर्स वगैरह मैंने ऑनलाइन ही लिया, सारे नोट्स वगैरह जो भी बनाया ऑनलाइन, तब से आज तक बस लगे रहे जब तक ना मिला सक्सेस। अच्छा, तो गौरांग, व्हेन वी प्रिपेयर समथिंग वी हैव सम टफ टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स, समटाइम्स वी थिंक के छोड़ देते हैं, आई कैन नॉट डू इट, सो डज इट हैपन टू यू आल्सो? ये सर, बहुत मतलब दो साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखा, क्योंकि 2020 में स्टार्ट करना, और मेरे साथ बहुत सारे बच्चे थे उस बैच से, धीरे 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 उनके कॉन्टैक्ट में भी था मेरे 7-8 बच्चे, तो धीरे धीरे जिसको मैं कॉल करता था वो बोलते थे नहीं मैं तो अब यहाँ पे लग गया, मैं तो छोड़ दिया है, पर मेरे मन में था कहीं ना कहीं कि मैं करूँगा, कुछ हो जाएगा, मेरे से हो जाएगा, कहीं पर कुछ गलती हो रहा है पर हो जाएगा, ये कॉन्फिडेंस था। तो धीरे धीरे कंटिन्यू किया, ऑनलाइन पूरा सब कुछ बनाया, नोट्स वगैरह, फिर एक टाइम पे ऐसा भी आया, घर में जो भाई है उनको जॉब मिल गया, पापा बोल रहे थे छोड़ दो लाइन, जॉब पे चले जाओ, तो मैंने बोला और एक लास्ट चांस मुझे चाहिए, इस बार ना होगा तो फिर मैं छोड़ के जाऊंगा, तो ये सब बहुत सारे डिफिकल्टी आए, पर अल्टीमेट जब हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई और पापा भी बहुत पॉजिटिव सोचने लगे अब। वेरी नाइस। सो तुम्हारा जो एडवाइस होगा वो हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, सो व्हाट इज योर एडवाइस टू आवर फ्यूचर एस्पिरेंट्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ एंड दे थिंक कि समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव इट, सो व्हाट इज योर एडवाइस? सर, मैं दो चार बातें यहाँ पे कहूँगा कि एक ये बात है कि अगर कोई दिल्ली आके अफोर्ड कर सकता है कोचिंग, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे आए, क्योंकि ये ऑनलाइन ठीक है पर ऑफलाइन जैसा माहौल नहीं मिलेगा, जैसे आपसे इंटरेक्शन करना, कोई भी डाउट हो तो तुरंत क्लास के बाद हम इंटरेक्ट करते थे कि सर ये डाउट है वो डाउट है, तो पहली बात वो है। दूसरी बात ये है कि आप रोज रोज चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मैंने दो मोड में ही पढ़ा है, तो दो मोड का फायदा और ड्रॉबैक मैं बता सकता हूँ, तो रोज रोज जो आप पढ़ रहे हो उसको एक प्रॉपर नोट डाउन कर लो, प्रॉपर नोट डाउन करने के बाद एक प्रॉपर नोट्स बनाओ, उस चैप्टर खत्म होने के बाद उस चैप्टर में जितने प्रीवियस ईयर आए, जेस्ट, नेट, गेट, टीआईएफआर, सारे प्रीवियस ईयर उसी चैप्टर के साथ अटैच कर लो, ताकि जब वो रिवाइज होगा तो तुरंत हम देख सकते हैं उसी क्या क्या प्रॉब्लम आए, वो करना, और रेगुलर एक टॉपिक खत्म होने के बाद उसको रिवाइज करना चाहिए। अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि 9 टॉपिक्स पढ़ना है, 9 टॉपिक्स में 2 टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद दूसरा स्टार्ट होगा, तीसरा स्टार्ट होगा, चौथा स्टार्ट होगा, फिर वो हम भूल जाएंगे, तो रेगुलरिटी मेंटेन करना है और रिवीजन भी कंटिन्यू करना है, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, वो पहले से स्टार्ट करने जैसा हो जाएगा वो। वेरी नाइस। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस रिलेटेड टू आवर करियर काउंसलिंग, इंटरव्यू सपोर्ट प्रोग्राम एंड स्पेशली टेस्ट सीरीज? हाँ, टेस्ट सीरीज जो मेरे साथ हो रहा था ये कि मैं सब कुछ पढ़ रहा था, 9 टॉपिक्स कवर अप करके जाता था, पर टेस्ट सीरीज मैंने नहीं दिया था, तो वही मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, जब तक मैं टेस्ट सीरीज नहीं दिया मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। जैसे इस बार मैंने 5 टेस्ट सीरीज फुल लेंथ दिया, और हर एक टेस्ट सीरीज देने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, और स्कोर भी अच्छा ही आ रहा था, तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि करियर काउंसलिंग, मैंने मुझे पहले तो पीएचडी करने का बहुत मन था, फिर बाद में मैंने सोचा एमटेक कर लेते हैं, बाद में अगर उसको पीएचडी में कन्वर्ट हो सकता है तो फिर बाद में कर लेंगे, तो एमटेक में सारे जगह पे मैंने फॉर्म डाला, और जब आईएससी में मेरा इंटरव्यू के बाद ऑफर आया वहां से, तो मैंने तुरंत दो लोगों से कॉन्टेक्ट किया, एक सर संजीव सर और दूसरा विवेक सज्जन।
अंजल सर से। तो मैंने सर से पूछा कि सर क्या करूं, कि दिल्ली से भी आया, फर्स्ट राउंड में मेरा दिल्ली से आ गया था, खड़गपुर से आया था, आईआईटी मद्रास से आया था, तो इस इनमें से मुझे कोई भी एक ऑप्शन चूज करना था। तो सर लोग तुरंत बताया कि वो अच्छा इंस्टीट्यूट है, तुम आंख बंद करके वहाँ पे एडमिशन ले लो। तो ये गाइडेंस बहुत जरूरी होता है, विदाउट गाइडेंस हम कहीं पे एडमिशन ले लेंगे तो उसका आगे जाके उसका क्या होगा वो बहुत मायने रखता है। और साथ में जो इंटरव्यू सपोर्ट प्रोग्राम जो सर ने बोला कि क्लास में जो पढ़ाते हैं ना वो अगर हम ढंग से सुनते हैं, केयरफुली सुनते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा बुलेट पॉइंट करके नोट कर लेते हैं, बस वो इंटरव्यू के लिए काफी है। कहीं पे कुछ ज्यादा नहीं पूछेंगे कि ये शॉर्टिंजर इक्वेशन का वो सॉल्व कर दो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, बेसिक्स पूछेंगे, बहुत बेसिक्स, मतलब बेसिक से ही वो लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लास अटेंड करना और केयरफुली सुनना चाहिए, उससे सारे डाउट सॉल्व हो जाएगा, इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। वेरी नाइस। सो फाइनली योर ओवरऑल एक्सपीरियंस विद योर ओन इंस्टीट्यूट, फिजिक्स इंस्टीट्यूट। तो सर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यहाँ के सारे स्टाफ, सारे सर, मैं जब भी कोई प्रॉब्लम में रहता था, कोई भी डाउट होता था, मैं तुरंत सर को मैसेज करता था। सर ये उस दिन अगर कॉल नहीं भी कर पाए तो फिर अगले दिन उन्होंने मुझे कॉल किया, गाइडेंस दिया। जब मैं यहाँ पे पिछले साल ही मैं 5 महीना यहाँ पे रहा था, तो क्लास के बाद जितने भी मुझे डाउट्स आए, चाहे वो विवेक सज्जल सर हो, विवेक सिंह सर हो, तो मैंने तुरंत तुरंत गया, जो भी डाउट था तो सर ने पूरा डाउट क्लियर करवाया एक एक टॉपिक पे। और सारे जितने लोग, जितने टीचर हैं, वो अपने अपने फील्ड में मास्टर्स है, तो उनसे ऊपर कुछ नहीं है। हम 9 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, पर जो 2 टॉपिक्स सर लोग पढ़ा रहे, वो 2 टॉपिक्स में उनसे ज्यादा कुछ, मतलब यहाँ पे मुझे लगा कि बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है उन लोगों से। और बाकी जो पीएस सर, जो जितने भी स्टाफ है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। लगता था कि गांव के स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा फीलिंग्स आया कि जो भी मैं पूछूं उसका तुरंत सॉल्यूशन मिल जाना। इवन इफ मैंने ये भी पूछा था लास्ट टाइम, मुझे जीएसआरआई में खाने को लेके इशू भी हुआ था, तो वो इशू भी सर ने बताया कि तुम थोड़ा मन मार के यहाँ पे और 1-1.5 महीने रह लोगे तो हो जाएगा तुम्हारा, पर मैं रह नहीं सका। मे भी उसी की वजह से नेट भी नहीं हुआ, 8 मार्क्स 10 मार्क्स से मेरा रह गया। मुझे सुन लेना चाहिए था उस टाइम सर लोगों के बाद, कोई नहीं, फिर मैं कॉन्फिडेंस मिल गया, अगले साल कर लूंगा नेट इस बार। चलिए गौरांग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर एमटेक प्रोग्राम। थैंक यू सो मच गौरांग। थैंक यू।